नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम लीवर पर चर्चा करेंगे कि घरेलू चिकित्सा के माध्यम से लीवर को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें खान पान में क्या करना चाहिए जिससे हम लीवर को हमेशा स्वस्थ रख पाए। लीवर के संदर्भ में मैंने एक योगा का वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो साथियों, लीवर क्या होता है? लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया को संपन्न कराने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको वो बाहर निकाल देता है, साथ साथ पित्त का निर्माण करता है। जो पित्त जो होता है, जब हम भोजन करते हैं तो पित्त जो होता है वो भोजन को डाइजेस्ट करता है, तो बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है लीवर, प्रोटीन का निर्माण करता है लीवर। तो हमें करना क्या है? लीवर को स्वस्थ रखना है। लीवर को स्वस्थ हम कैसे रखेंगे, उसके लिए हम आपको दो नुस्खे आज बताएंगे, उसका आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए, फिर आप मुझे एक हफ्ते बाद बताइएगा कि आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जब आप उन नुस्खों को फॉलो कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खान पान करना चाहिए। आपको हेल्दी भोजन करना चाहिए, तेल मसाले और चिकनी वाली जो चीजें हैं और जंक फूड से परहेज करना चाहिए। साथ साथ आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए आपको, और फाइबर वाली चीजें ज्यादा सेवन करनी चाहिए, जिससे आपका जो शरीर है वो हेल्दी बना रहे, लीवर भी आपका हेल्दी बना रहे। तो जो लीवर की संबंधित जो परेशानियां मुख्य रूप से देखी गई है वो फैटी लीवर की देखी गई है। फैटी लीवर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अल्कोहलिक होता है, एक नॉन अल्कोहलिक होता है। जो लोग शराब का या अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं उनका जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है, यानी लीवर में फैट जम जाता है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, उसमें क्या होता है कि आप तेल की चीजें या वसा की चीजें ज्यादा खाते हैं तो वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है लीवर के चारों ओर। तो इन दोनों जो फैटी लीवर की समस्या है उनको हम घरेलू चिकित्सा के माध्यम से, घरेलू नुस्खों के माध्यम से भी सही कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आ गया हूं किचन में और यहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नुस्खे हैं जो कि लीवर को डिटॉक्स कर सके, यानी उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो सबसे पहले यहां पर हम करेंगे यूज अलसी के बीज का। तो साथियों, मैंने अलसी के जो बीज हैं उनको यहां पर मिक्सी में पीस लिया है और जब आप पीसेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, जैसे कि, और इसको एक कप में आप डाल दीजिए, लगभग 200 ml से 300 ml के बीच में। अब आप गुनगुने पानी को कप में डाल दिया। अब एक चम्मच अलसी के बीज का जो पाउडर है वो आपको डाल देना है इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये लीवर को अच्छे से क्लीन कर देता है। फैटी अगर लीवर है आपका, चाहे कोई भी कारण है, चाहे अल्कोहलिक फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, आपको अलसी का सेवन करना है। आप चाहें तो इसको अलसी को ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे पानी में डाल के करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आपको करने क्या, गुनगुने पानी में आपने एक चम्मच अलसी का बीज का पाउडर डाला, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें टर्मरिक यानी हल्दी मिलाएंगे। हल्दी में भी बहुत जबरदस्त गुण पाए जाते हैं आप, जो कि आपकी जो लीवर है उसको अच्छे से क्लीन करेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया अलसी और हल्दी का जूस। तो आपको करना क्या है, इसको सुबह सुबह उठने के बाद आपको ये पीना है। आपने थोड़ा सा अपने जो दैनिक कार्य है उनको निपटाने के बाद आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप नाश्ते के बाद इसको आप जरूर पिए। तो आप पूरे दिन में दो बार इसका यूज करेंगे, आप ये देखेंगे कि दो तीन दिन में ही आपका जो लीवर है वो आपसे खुद ही बोलने लगेगा कि अब मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूं। तो मन में ऐसा विश्वास रखना है कि ये जो आपको मैं उपयोग बताने वाला हूं या बता रहा हूं, इससे आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम दूसरे अपने उपाय की तरफ चलते हैं, दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। साथियों, अब हम आ गए हैं अपने दूसरे नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे में हमें क्या करना है, इसमें हमें एक एप्पल का विनेगर लेना है। एप्पल साइडर विनेगर मिलता है मार्केट में, आप इसको परचेज कर सकते हैं, शीशी आती है ऐसी। इसको मैंने एक कटोरी में पलट के रखा हुआ है और साथ में शहद। तो करना क्या है, हमें गुनगुना पानी लेना है और
200 ml के आसपास आप गुनगुना पानी ले लीजिए, 200 से 300 ml के बीच में गुनगुना आपने पानी ले लिया। इसमें एक चम्मच आप साइडर विनेगर डाल दीजिए और साथ में इसमें थोड़ा सा हनी मिला लीजिए, शहद भी मिला लीजिए और इसको इस तरीके से घुमा लीजिए। ये आपका हो गया जूस तैयार, जो कि आपके लीवर में जो जहरीले तत्व हैं उनको बाहर निकाल के फेंक देगा, आपकी लीवर की सफाई कर देगा, साथ साथ आपकी जो किडनी की परेशानी है यानी किडनी से संबंधित जो भी दिक्कत है उसको भी ये दूर करने में सक्षम है। बहुत ही पावरफुल ये घरेलू नुस्खा है, इसको आप जरूर आजमाएं। जब आप इसको आजमाएंगे तो 3 से 4 दिन में ही आपके लीवर से संबंधित जो परेशानी है यानी फैटी लीवर हो गया है या लीवर में श्रिंक हो गया है, लीवर से जो भी संबंधित परेशानी है उसको ये दूर कर देगा। तो अगर आपको कहीं डायबिटीज की परेशानी है तो आप जो हनी है उसका सेवन ना करें, आप सिर्फ विनेगर लें और पानी लें गुनगुना और इसको आप पी सकते हैं। कब पीना है? खाना खाने से पहले, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको सुबह और शाम, यानी जो रात का खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले, दोपहर का खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले, 2 बार आपको जरूर सेवन करना है। हफ्ते में 7 दिन आप लगातार इसको सेवन करिए, फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लाभ मिल रहा है। तो साथियों, आज हमने 2 नुस्खे समझे लीवर को कैसे एकदम हेल्दी बनाए, कैसे लीवर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। जब आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और नए विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें योग और घरेलू चिकित्सा के माध्यम से। नमस्ते।